दोस्तों, तो हम लोगों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पार्क है इसका टिकट ले लिया है। यहाँ पे पीछे बच्चों के लिए झूला भी लगा है खेलने के लिए, आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग यहाँ का पार्क घूम चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं झूला पुल। झूला पुल सामने है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, अभी कुछ टाइम हुआ आते हुए यहाँ पे, तो आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। अभी जिस साइड हम लोग हैं ये है इंडिया, और इसके उस साइड है नेपाल। आप लोग देख सकते हैं नेपाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नेपाल विजिट करने वाले हैं। नेपाल से पहले बिहार में पड़ता है वाल्मीकि आश्रम, वहाँ भी विजिट करने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वाल्मीकि आश्रम विजिट करने के बाद हम लोग नेपाल में सिस महल है, नेपाल में पड़ता है टेम्पल, वहाँ पर भी हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग बिहार का रोड देख सकते हैं, इतना ही गंदा है, इतना गंदा है। आप लोग जब भी नेपाल या इधर बिहार साइड में आए, बनियावा से आगे, आप लोग हेलमेट जरूर लेके आए, वरना सूरी का पाउडर आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप कुछ ही मिनट में गोरे हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा गंदा है, इतना धूल से भरा हुआ है रोड इधर का। दोस्तों, तो हम लोग फाइनली बिहार में एंटर कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बिहार का जंगल है कुछ ऐसा है, और उधर का रोड भी बहुत ही ख़तरनाक है। आपको पूरे रास्ते में पाउडर मिलते ही रहेंगे फ्री के, और देख सकते हैं इतना घना जंगल है और धूल तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि पूरा चुका है, बाल भी ख़राब हो गया है। चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, तो हम लोग कंटिन्यू 2 घंटे से चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने, आप लोग टाइम देख सकते हैं, 12:13 हो गया, और वाल्मीकि आश्रम अभी यहाँ से 17 किलोमीटर है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ का काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं और आगे आप लोग को दिखाते हैं। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर, अभी आधा घंटा और लगेगा 30 मिनट। दोस्तों, तो हम लोग नेपाल के बहुत ही करीब हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं नेपाल का पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया है। बस कुछ ही टाइम में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं क्या ही नज़ारा है। दोस्तों, तो हम लोगों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पार्क है इसका टिकट ले लिया है। एक टिकट 20 रुपये का पड़ा है, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए। आप लोग को दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, और काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे पीछे बच्चों के लिए झूला भी लगा है खेलने के लिए, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी प्यारा है, और चेयर भी लगा है बैठने के लिए, आप लोग बैठ सकते हैं, और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ से क्या ही व्यू आता है, आप लोग को दिखाते हैं एक बार, एकदम ज़बरदस्त। वाह, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से, और इधर बंदर भी आ रहे हैं सब देखने, आप लोग देख सकते हैं बंदर कुछ खा रहा है जैसे, लग रहा है पानी पी रहा है। दोस्तों, हम लोग वाल्मीकि आश्रम गए थे, तो वहाँ पे आज संडे है जिसकी वजह से एंट्री बंद है,
तो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं घूमा और सीधे आ गए यहाँ पे पार्क में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और टिकट भी सस्ता है, 20 रुपये में आप लोग अंदर आके घूम सकते हैं और काफ़ी प्यारा है। आप लोग को दिखाते हैं और यहाँ से पहाड़ का जो व्यू दिखता है क्या ही बताएं। आप जब भी इधर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। आप लोग को दिखाते हैं पूरे पहाड़ का, देखिए कितना मस्त है। दोस्तों हम लोगों ने कुछ फ़ोटो और रील बना लिया यहाँ पे और आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा जगह है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ से क्या ही व्यू दिख रहा है, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आगे। एक बड़ा सा है वो सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग, उसमें ऊपर भी चढ़ते हैं और वहाँ से व्यू दिखाते हैं जो दिखता है आप लोगों को। चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाना है हम लोगों को। काफी हाइट पे है तभी से हम लोग चढ़ रहे हैं और अभी तक यहीं तक पहुंचे, शायद अब ऊपर पहुंचने वाले हैं हम लोग। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाते हैं। अभी ये जो पार्क है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं तो वो है, और यहाँ से व्यू देखिए आप लोग, वाओ क्या है नज़ारा है यहाँ से। और यहाँ से फाइनल रिजल्ट देखिए, चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगा है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पीछे देख सकते हैं आप लोग कितना ही प्यारा नज़ारा है। उधर भी हम लोग कोशिश करेंगे जाने के लिए आगे, उधर जो सामने दिख रहा है उधर शीश महल है, तो हम लोग उधर भी जाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं अगर उधर जाने के लिए एंट्री मिलता है तो। और इस पर एक बच्चा भी आ चुका है, ये देखिए बाबू, हाय बोलो, बोलो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कीजिए। कहाँ भाग रहे हो, ये बच्चा ऐसे बोले तो भाग रहा है, डर रहा है हम लोगों से। हम लोग यहाँ का पार्क घूम चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं झूला पुल। झूला पुल सामने है। अभी यहाँ से शायद 1 किलोमीटर है, पूछने में बता रहे हैं लोग। चलते हैं और वहाँ आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए सीढ़ी से नीचे हम लोग को जाना पड़ेगा, काफ़ी नीचे है। चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। धूप इतना ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई है। अरे भैया बच्चा के भैया पटरौनस कहाँ से हैं आप लोग? उधारी मनसा जापोर हाँ कौन सा? अरे पूरा देख रहे हैं, देख दोस्तों। तो फाइनली हम लोग झूला पुल पे आ चुके हैं और यहाँ का टिकट है 12 रुपया पर आदमी। तो पडरौना के भाई लोग मिल गए हैं तो इन लोगों के साथ हम लोग भी हैं और जा रहे हैं और आप लोग को दिखाते हैं झूला पुल का नज़ारा आप लोगों को।
भाई साहब कितना ज्यादा हिल रहा है। तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों हिल रहा है तो काफी डर लग रहा है। खत्म हो गया क्या? यही तक है, शेर और तक दिख ही नहीं रहा। चल जी आगे, रिजर्व से क्या करना है? आराम से आराम से। अगर आश्रम में वो सब दिखी, आश्रम आज बंद बाटे। लास्ट तक हम लोग आ चुके हैं और खत्म हो गया। पीछे एंड है इसका, एंड पॉइंट है, और हम लोग जाएंगे रिटर्न यहाँ से। ये स्कूल से टूर आया हुआ है तो बच्चे लोग आए हैं, जा रहे हैं यहाँ से। भाई मजा है दोस्त? नहीं सर। क्यों सर? अरे सर मजा कि नहीं आया सर? इतना मजा तो आ रहा है सर। दोस्तों तो हम लोगों ने झूला पुल घूम लिया और हम अब लोग जा रहे हैं। एक वहाँ पे है पुल, झूला पुल एक और है जो बड़ा सा है, वहाँ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जो इस साइड से हम लोग जाएंगे उधर शीश महल करके है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता वो बना हुआ है। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, अभी जिस साइड हम लोग हैं ये है इंडिया, और इसके उस साइड है नेपाल। आप लोग देख सकते हैं नेपाल का घर और मंदिर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कोशिश करते हैं हम लोग उधर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नीचे। नीचे झील है और इसमें भी गए थे, पानी तो ठंडा नहीं है। चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों तो हम लोग झील टप के आ चुके हैं इस साइड और चलते हैं आगे। कुछ लोग पड्रोना के मिल गए हैं तो चलते हैं इधर आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। कितना ही प्यारा लग रहा है पानी और काफी ठंडा भी है। चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे तक। पहाड़ के बिल्कुल हम लोग एकदम करीब आ चुके हैं और एक झूला पुल दिख रहा है सामने, वो रहा। उधर तो हम लोग नहीं जा पाए हैं लेकिन इधर दिखाते हैं आप लोगों को जो भी पॉसिबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं आगे शीश महल। तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे घूम के काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को और भाई लोग हैं जो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहें। तो हम लोग यहाँ घूम चुके हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं और मिलता है, देखेंगे और आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक का लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तब आप बाइक लेके अंदर आ सकते हैं। अगर वैसे आ रहे हैं विदाउट बाइक के तो आप लोग को बस बाइक चेक कराना पड़ेगा वहाँ पे और फिर आप लोग को एंट्री मिल जाएगी। तो हम लोग आ चुके हैं और ये रहा बस नेपाल और इंडिया को जोड़ने वाला ब्रिज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और इधर जो पानी रोकने के लिए फाटक होता है वो है, अभी पानी कम है तो इसको उठा के लोग रखे हैं। और देख सकते हैं आप लोग कितना लंबा है। और इधर सामने आप लोगों को पहाड़ी दिख जाएगा, कितना ही प्यारा लग रहा है पूरा। घूमते घूमते गर्मी हो गई यहाँ पे, इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है हम लोगों को कि हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो लेंगे और
एक दो वीडियो बनाएंगे रील के लिए और फिर यहाँ से रिटर्न हम लोग घर के लिए चल देंगे, क्योंकि सुबह में हम लोग आए थे और अभी टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 3 बज रहा है, तो घर भी जाना है। घर जाने में 3 घंटा, हाँ 3 घंटा तो लगेगा ही, तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को।